ओम शांति। आज 8 नवंबर 2022, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है। तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है। रूहानी यात्रा याद है? रूहानी यात्रा याद है क्या होती है? हाँ, जो बैठ के हम पढ़ते हैं, अपने आप को रोजाना देखना कि मेरे में कितना सुधार आ रहा है। हर सेकंड, अगला सेकंड मेरा और आगे बढ़ने वाला हो, मेरे में सुधार आता जा रहा हो, तब तो समझो हम हैं रूहानी यात्रा पर। यदि सुधार नहीं आ रहा तो हम रूहानी यात्री नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चाहे साइकिल चला रहा हो, बाबा ने एक उसमें एग्जाम्पल ये दिया साइकिल का मुरली में, कि एक साइकिल होती है जो खड़ी रहती है और वही चलाते रहते हैं, साइकिलिंग करते रहते हैं, वो यात्रा नहीं है। यानी जो साइकिल चलाए रोड पर और आगे पहुंचे, जितनी दूरी पहुंचेगा वो यात्रा है। मतलब वो खड़ी है साइकिल, साइकिल तो चला रहा है, योग तो कर रहा है, वो तो खड़ा वहीं के वहीं है। वो खड़ी साइकिल नहीं, चलानी है साइकिल, मतलब आगे बढ़ना चाहिए। मतलब आज हमने 2 घंटे योग किया, वहीं के वहीं है, कोई सुधार आया नहीं तो 2 घंटे बेकार। मेरे में सुधार आना चाहिए, हर सेकंड हमारे लिए सुधार आना चाहिए। तुम्हारी यात्रा बहुत, रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, किसी को पता ही नहीं है यात्रा कर रहे। जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना, इसमें ही कमाई है, इसमें ही कमाई है। प्रश्न, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? जो याद की यात्रा पर रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? अच्छी बातें बाबा ने बताई। उत्तर, वे बहुत गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांत चित्त। यह अवस्था कहाँ होती है? जो समुद्र के तले में पानी, जो समुद्र के तले वाला पानी है वो एकदम शांत, ऊपर जितनी उसके तूफान होते हैं अंदर उतनी ही क्या होती है, शांत। उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। अशुद्ध अहंकार क्या होता है? देहे समझना, देहे अभिमान। आत्मा समझना शुद्ध अहंकार, देह समझना अशुद्ध अहंकार। 3 है, उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगे। उन्हें सिवाय एक बाप के और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। वे बहुत कम और धीरे बोले। चौथी बात है, वो बहुत कम बोलेंगे और धीरे बोलेंगे, वे हर काम इशारे से करेंगे, हर काम इशारे से करेंगे, जोर से बोलेंगे वह हंसेंगे नहीं, ना वो जोर से बोलेंगे और ना वो हंसेंगे। हंसना भी मना है, बताओ, ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहिए? हंसे भी नहीं, मुस्कुरा सकते हो, हंसना नहीं है। बाबा मुरली में कहते, देवता मुस्कुराते हैं, हंसते नहीं है। मुस्कुराने में और हंसने में बाबा ने क्या अंतर बताया है? हंसे दांत दिखाई देंगे, मुस्कुराने में दांत दिखाई नहीं, दांत दिखाई ना दे। ये बाबा ने के बाहर किसी के बाबा
नहीं मतलब मतलब कहने वाला मुस्कुराओ मतलब दांत दिखाना ठाका लगाना हाँ मतलब वो सा नहीं मतलब मुस्कुराना है मतलब ज्यादा दिखावा नहीं। उनकी चलन बहुत बहुत रायल होगी। आज की मुरली में यही सारा समझाया है ना, बहुत रायल होगी। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान है, तो अपनी हर बात पर क्या होगा उनको बहुत कंट्रोल। छे आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लूण पानी नहीं, कभी भी लूण पानी नहीं होंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास, उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर, ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम रात के राही हैं, परंतु ऐसे नहीं कि तुम कोई रात्रि को ही बुद्धि योग लगाते हो वा मुसाफिर पूरी हो, नहीं। ये तो बेहद की बात है, वो जिस्मानी यात्रा सिर्फ दिन में होती है, रात्रि को नहीं जाते हैं, रात्रि को तो सब सो जाते हैं, इस यात्रा को तो तुम जानो अथवा बाप जाने। अर्थात निराकार परम पिता परमात्मा जाने, निराकारी आत्माएं ही जाने, निराकार पर पिता परमात्मा जाने, और निराकारी जो अपने को देह समझते वो तो जान ही नहीं सकते। अभी परम पिता परमात्मा शरीर में बैठ ये यात्रा सिखलाते, यह कभी ना कोई शास्त्र में सुना, ना कोई विद्वान पंडित सिखला सकते, ना कोई विद्वान पंडित सिखला सकते हैं। ये यात्रा रात को भी अमृत वेले भी हर समय हो सकती है। भक्त लोग सवेरे उठकर कोठड़ी में बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। तुमको भी कहा जाता है कि सवेरे याद की यात्रा अच्छी होगी, याद की यात्रा अच्छी होगी। ये है रूहानियत। बच्चे देही अभिमानी बने हैं, हम आत्मा हैं, ये निश्चय करना भी मासी का घर नहीं, मासी का घर नहीं है। घड़ी घड़ी भूल जाते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो इस यात्रा को जानते भी नहीं, बुद्धि में बैठता ही नहीं। कितना समझाओ, हैं बहुत बच्चे, बाबा के ही बच्चे हैं, याद की यात्रा को जानते नहीं। पहली बात तो समझ में नहीं आया, हमें इतने सालों तक समझ में नहीं आया कि याद की यात्रा कितनी बार पढ़ा होगा, ये तो है नहीं। 30 साल में कितनी बार याद की यात्रा शब्द को पढ़ा होगा, तो कभी समझ में नहीं आया। क्या हमें हर सेकंड अपने आप को सुधारना है? अब बाकियों का ध्यान नहीं गया तो उनका कोई कसूर तो नहीं कहेंगे ना। यदि किसी का ध्यान नहीं गया तो हम उसको दोष तो नहीं दे सकते ना कि उनका ध्यान क्यों नहीं गया। हमारे ही ध्यान नहीं गया था तो उनका नहीं गया तो उनका क्या। अगर यात्रा पर चला हुआ है, सुधार करने पर लगा हुआ है, तो नित्य यात्रा करते रहेगा, सुधारता रहेगा। उसको पता है कि मुझे सुधारना है। यात्रा में फिर ठहरना थोड़ा ही होता है, ठहर जाते हैं। अर्थात यात्रा करने का शौक नहीं है, तुम्हारी है गुप्त यात्रा। इनका वर्णन कोई शास्त्र में भी नहीं है। याद की यात्रा शब्द ये किसी दुनिया के शास्त्र में कहीं भी नहीं।
जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा अर्थात बाप को याद करते रहेंगे उतना कमाई होगी। बुद्धि का योग दौड़ी पहनता है, बुद्धि का योग क्या करता है, दौड़ी पहनता है, क्योंकि बुद्धि में आप बाबा की श्रीमत को मन मना भव करते रहेंगे तो फटाफट सुधार आता जाएगा। बाप के पास इसमें आत्म अभिमानी बनना है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो, वे आधा कल्प की आदत तुमको इस एक जन्म में मिटानी है। इस एक जन्म में क्या करनी है, मिटानी है अथवा खत्म करनी है। ये कोई वे सत्संग नहीं, ये कोई वे सत्संग नहीं दुनिया वाला, शास्त्र सुनने का, आए शास्त्र सुना कथा सुनी और घर चले। आत्मा समझ बाप को याद करते हो फिर बाप की मत पर भी चलना है। जो मत बाबा ब्रह्मा द्वारा दे रहे हैं, फिर लक्षण भी अच्छे रखने हैं, शैतानी लक्षण नहीं होने चाहिए। उसमें भी जो पहला नंबर अशुद्ध अहंकार है उनके बाद सब और विकार आते, उनके बाद सब और विकार आते। तो अपने को आत्मा निश्चय करना, अपने को आत्मा निश्चय करना, ये अभ्यास बड़ी मेहनत का है, सहज नहीं है। बहुतों से ये मेहनत बाबा कहते पहुंचती नहीं, लगता ही नहीं कि बहुत बच्चे ऐसी मेहनत करते हो कि बार बार अपने आप को समझाए कि मैं आत्मा। क्यों? तकदीर में नहीं, उसके पार्ट में नहीं है, उसके रोल में नहीं है, वो कैसे करेगा? अब आप उसको कहो कि तू निकम्मा है, नालायक है, नहीं, कभी नहीं कहना किसी कोई नहीं सुधर रहा है तो उसको नहीं कहना, उसका रोल यही है। उसे उमंग उत्साह बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए ये कह सकते हैं कि भाई आगे बढ़ो और करो और करो, ये नहीं कहना है कि तुम नहीं कर सकते। इस यात्रा पर रहने वाले की निशानी क्या होगी, वे बड़े गंभीर और समझदार रहते हैं। एक बाप की याद के सिवाय उनको और कोई बात अच्छी नहीं लगी, बस उनको एक ही बात अच्छी लगती है जो बाबा ने। शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं, सन्यासी लोग भी एकांत में जंगल आदि में जाकर रहते हैं, परंतु वे तत्व अथवा ब्रह्म की याद में रहते। वह यात्रा तो है झूठी, क्योंकि ब्रह्म अथवा तत्व कोई सर्वशक्तिमान बाप तो है नहीं। आत्माओं का बाप तो एक ही निराकार परम पिता परम आत्मा शिव है, परम पिता परम आत्मा शिव है, जिसको सब आत्माएं पुकारती हैं। आत्मा ऐसे कब नहीं कहती, हे ब्रह्मा बाबा, हे ब्रह्म बाबा, ब्रह्मा ने हे ब्रह्म बाबा, मतलब कभी ब्रह्म को कोई बाबा थोड़ा कहेगा, वो तो तत्व है, या हे तत्व बाबा। अब दुनिया में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी कहते, संत पाल को उसके भगत कहते तत्व ज्ञानी है, हमारे गुरु जी तत्व ज्ञानी। तत्व ज्ञानी का मतलब क्या है उनको पता है। आज हमारा एक साइंस का टीचर तत्वों का ज्ञानी है, वो तत्वों के बारे में जानता है, कौन से एलिमेंट क्या करेंगे, किस काम आएंगे, कैसा रूप होता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, पांचों तत्वों के। हाँ जी, ब्रह्म तत्व को तो बेचारे कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान, इन पांच तत्वों को जानते हैं वो, सारे जानते हैं तत्व ज्ञानी सारे हैं। ब्रह्म तत्व को जानते हैं? नहीं, उनको क्या पता ब्रह्म, वही तो बाबा कहते हैं ब्रह्म तत्व कहते हैं,
क्या है ब्रह्म तत्व, ये तो पता ही नहीं उनको। अभी हमें अब समझ में आया है कि ब्रह्म तत्व छठा महातत्व, पांच तत्व तो ये हो गए, छठा महातत्व, और वो इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म है, उसको इन पांचों तत्वों से कहीं भी रोका नहीं जा सकता। इन पांचों तत्वों में होते हुए भी, इन पांचों तत्वों से अलग होते हुए भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी हमें समझ में आया, बाकी को तो अभी समझ में नहीं आया। ये तो मुरली में अब हमें समझ में आया है, बाकी तो जो नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, क्योंकि ये तो सारी बात यह है कि ना, क्योंकि जब बाबा ने ये कहा कि मैं आकाश तत्व से भी पार, तब हमारी बुद्धि में ये टच किया, अदरवाइज तो हमें भी पता नहीं था। मुरली पढ़ के तो छोड़ ही दी थी, मुरली पढ़ने के बाद आप मुरली ढूंढ के लाएगे भी कौन सी मुरली थी वो, 15-20 दिन 25 दिन बाद। मतलब कहने का है कि अभी देखो पढ़ लिया तो नहीं होता, यही तो मेरे सामने समस्या खड़ी हुई, क्योंकि मैंने उस साइंस टीचर को ये बता दिया कि परमात्मा इस आकाश तक, उसने भी मेरे से कुछ नहीं कहा, आर्गुमेंट किया, वो तो ये कह के गया कि आपने वंडरफुल बात मुझे समझा दिया, और मैं परेशान हो गया कि ये आकाश तत्व से बाहर कौन सी जगह होगी। और बाबा ने ये कहा था कि यहां मेरा दिमाग अटक गया, सुई अटक गई। अब वो कब भी नहीं आया, देखिए कि कब से मेरे साथ सर्विस करता आ रहा है। हां जी, हाँ, उसको मैंने समझा दिया, 00 वाला सारा समझा दिया, बोला कमाल कर दिया, मतलब वो तो कमाल कर दिया कह गया, जबकि कभी उससे पहले नहीं आया मेरे पास। मैं जरूर उसको कभी कभी बोला होगा कुछ ना कुछ, पर तो वो मेरे पास नहीं आया, रहता गुड़गांव में है, रोजाना जाना है आना है, उसके बावजूद भी उस दिन वो स्पेशल आके बैठ गया रिटायरमेंट के बाद, कहता शर्मा जी ये बताओ परमधाम कहाँ है। तो मैंने उसको लेक्चर दे मारा, मैंने कहा अब तो आ गया, मेरे पास वो काम है ही नहीं, बैठ जा। मैंने भी अपना क्लास पूरी ले डाली, वो भी खुश, वो भी कह के चला। अब मेरे को बाद में आया कि वो परमात्मा आकाश तत्व के पार है, मैंने उसको समझा दिया, इस आकाश से भी पार है, और जीरो, और जीरो वाली बात मैंने उसे समझाई, क्योंकि मैथ का भी साइंस का टीचर है वो, तो बोला बिल्कुल ठीक है कि वो जीरो पार कहीं भी तक वो नहीं हो सकता, और ये जो है ना जीरो जीरो पर सारी आत्मा एक जगह रह सकते, बोला ऐसे समझ गया। आज यदि उससे पूछू ना, एक भी पता नहीं ABCD उसको, आज भी यदि मैं उसको बुला के पूछूं कि उसे कुछ नहीं पता, तो उस बात से कोई बात ही नहीं की, मेरे साथ बात नहीं की, कभी वो सेंटर पर नहीं गया, बस सिर्फ उस दिन वो आ गया, मतलब बाबा ने मेरे को छेड़ना होगा, उसको छेड़ना था या नहीं छेड़ना था। तभी तो आपकी बुद्धि में ये वो क्लिक हुआ, हाँ हाँ हाँ। अब देखो मुरली तो हमने पढ़ ली थी, मुरली तो सुना दी, 15-20 दिन भी पार हो गए, मैंने कुछ हुए। अब ये तो उसने पूछा, और उसके पूछने पर वो मेरे को मुरली वाली बातें याद आ गई, और तो वो हो गया, अदरवाइज नहीं। अब ये भाई बहन जो प्रश्न पूछते हैं उनसे मैं देखता हूं कि क्या, मतलब जो बातें निकल निकल के आती हैं वो वंडर लगता है, मुझे खुद को ही लगता है वंडर। हाँ, अब समझ में आता है। हाँ, वो तो देखो, हाँ वो तो है ही, मतलब कहने का मतलब बाबा ने कितनी गुहे बातें बताई हुई हैं, मतलब ये देखने वाली बात है, पर तो हम उनको, क्योंकि वही लाख टके की बात, 1 लाख की एक बात, मतलब हम बाबा की बात को महत्व नहीं देते। आज सारी यहाँ है, हम महत्व दें उस एक बात पर, विचार सागर मंथन करें तो हमें समझ में आए। हाँ, बस हम मुरली पढ़ते हैं, हाँ ये भी हम बैठ जाते हैं तो चर्चा कर लेते हैं, तो हमारी बुद्धि में आ जाता है, और यदि सामने कोई ना बैठा हो तो फिर तो मुरली पढ़नी है, किसी को समझानी तो है ही नहीं, ये बात आ जाती है ना। सामने बैठे होते हैं तो लगता है कि हम कुछ चर्चा करें।
आत्मा सदैव कहती है हे परम पिता परमात्मा, उसका उनका नाम चाहिए। ब्रह्म तो महतत्व रहने का स्थान है, ब्रह्म महतत्व तो रहने का स्थान है, और वो भी शून्य, वो भी कोई आकाश तत्व से पार नहीं है, आकाश तत्व में होते हुए भी आकाश तत्व से अलग है, उसका आकाश तत्व पर भी कोई असर नहीं, किसी और तत्व पर भी असर नहीं, और किसी तत्व का उस पर भी असर नहीं। ये वंडरफुल बात है छठे महातत्व की। इसीलिए आत्मा को कोई देख नहीं सकता, आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता। देखो ये गीता में लिखा, और इतने समय से हम सारे पढ़ते आए, और गीता हमने याद कर ली, कितने लोगों ने उस पर व्याख्यान भी लिख दिए, कितने प्रकार से अनुवाद किया, हर एक ने अपने अपने रीति से अपने अपने तरीके से समझाया अपनी बात को, परंतु बाबा जो समझा सकता है वो कोई नहीं समझा सकता। बाप कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी व ब्रह्म योगी कहना ये भ्रम है। वो कहते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो ब्रह्म योगी है, वो ब्रह्मलीन है, ब्रह्मलीन शब्द भी यूज करते हैं। जीते जी भी ब्रह्मलीन कह देते हैं, मरने पर भी ब्रह्मलीन कह देते हैं, मतलब वो ब्रह्म, हाँ जी, हाँ, मतलब वो मरने को भी ब्रह्मलीन कह देते हैं ना, क्या वो जाके ब्रह्म में ही लीन हो गए। कोई ने कह दिया और मान लिया, सत्वचन भक्ति में सब झूठा रास्ता बताते हैं, इसलिए देही अभिमानी बन नहीं सकते। आत्मा सो परमात्मा कह दिया, तो फिर योग किससे लगाएं? अब योग की परिभाषा है आत्मा कसिका परमात्मा से संबंध जोड़ना। अब आत्मा सो परमात्मा, अब योग किससे लगाएं? सारा योग का राज ही खत्म कर दिया, योग की परिभाषा को ही खत्म कर दिया। योग की फर्स्ट डेफिनेशन ही यही है कि आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़। बाप कहते हैं ये सब मिथ्या ज्ञान है, ये दुनिया में जो है मिथ्या ज्ञान है, अर्थात ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति दो अक्षर आते हैं, ज्ञान और भक्ति दो अक्षर आते हैं, आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति चलती है। बाप आकर समझाते हैं कि इन शास्त्रों आदि में भक्ति का ही वर्णन है, जितने भी शास्त्र हैं दुनिया भर के उसमें सब में भक्ति का वर्णन है। ज्ञान अलग चीज है, आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता, आधा कल्प भक्ति यानी रात द्वापर कलयुग। ऐसी सहज बातें भी विद्वान आचार्य नहीं जानते, अब ये भी वंडरफुल बात है ना, कहते भी हैं सुनाते भी हैं परंतु ये नहीं जानते, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा का एक दिन, चार कल्प जब पूरे होते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, ब्रह्मा का एक दिन होता है, मतलब सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात, और फिर जब 36,000 हैं जी, हाँ, चार दिन और रात एक ही दिन हो गया ना, हाँ, रात दिन, तो इस प्रकार से मतलब ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, तो वो कहते 3660 का साल होता है, तो शास्त्रों में लिखा 36,000 बार ये चक्र पूरा हो जाता है तब ब्रह्मा की मृत्यु होती है, फिर महाप्रलय होती है, फिर नया ब्रह्मा पैदा होता है, परंतु एक ये चक्र, परंतु ये नहीं जानते फिर ये चक्र कितना बड़ा है। मतलब यहां उनका जो कंफ्यूजन हो गया ना, कि उन्होंने जो कल्प की आयु बड़ी कर दी जिसके कारण वो बड़े परेशान हो गए। मैंने इसको खूब सर्च करके देख लिया, मतलब 5 बताते हैं बस, ये जो चल रहा है ये वारह कल्प चल रहा है, वो वराह वाली कहानी है ना, वराह कहानी याद आ रही होगी, वराह वाली, हाँ, वराह अवतार में पृथ्वी को धरती से निकाल कर ले आया,
तो ये वो कल्प चल रहा है, मतलब क्योंकि धरती पाताल में चली गई थी, पति उसमें धरती पाताल में चली गई थी, वरा ने जाकर के धरती को राक्षस को मारकर धरती को अपनी नाक के जो है ले आए। हाँ, ना नारायण गया ना ब्रह्मा गया, और ब्रह्मा की नाक से वो पैदा हुआ। अजीब बात है, पैदा होने के भी तरीके स्पेशल है, ठीक है नहीं? और हम बड़े खुशी से सुनाते थे, और भगत लोग भी वाह भगवान कमाल। हाँ, अभी सवेरे कथा चल रही होती है, मुझे याद आता है कि मैं भी कभी ये गपोड़े सुना रहा होता था, ठीक है नहीं? ऐसी सहज बातें भी विद्वान आचार्य नहीं जानते। चलो हम तो कथावाचक हैं, ये बेचारे कथावाचक हैं, उठा के कथा पढ़ के सुना दी, जो लिखा है आगे वालों ने भी ठीक है, पंडित जी जो कह रहे हैं शास्त्रों में जो लिखा है वो सच है, शास्त्रों में जो लिखा है सत्वचन, बिल्कुल ताकत नहीं। तुम कहते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, लोग तो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, पढ़ाएंगे कैसे, बहुत माथा मारना पड़ता है। एक बच्ची ने समाचार लिखा बाबा को, एक सेठ ने प्रश्न पूछा तुम शास्त्र पढ़ी हो, उसने कहा परमात्मा ने हमको शास्त्रों का सार समझाया है, हमारा दूसरा गुरु है नहीं। तो वे अपनी तीक तीक करने लगा कि शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए। वे सुनती रही, परंतु बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए, कहना चाहिए कि ये ठीक है वेद शास्त्र पढ़ना है, परंतु भगवानोवाच के इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकता। कहाँ है भगवानोवाच, कहाँ है भगवान, उनकी बात है ये। गीता में लिखा है वेद शास्त्र पढ़ने से समझा नहीं पाई, इसलिए क्योंकि बाबा कहते कि उनकी बात उनको बताओ ना, उनको बताते कि भगवानोवाच गीता में लिखा है वेद शास्त्र आदि पढ़ने से, ज्ञान स्नान करने से, क्या बोलते पाठ यज्ञ तप करने से मैं नहीं मिलता हूं। उनको बताओ ये तुम्हारी गीता में लिखा है, जिनको पढ़ने के लिए तुम कह रहे हो उसी में लिखा है इनको पढ़ने से मैं नहीं मिलता। बोले ये उसको पता होता तो मतलब वो उसको, हाँ वो तीक तीक उसको करने नहीं देती, वो उसको तीक तीक करने नहीं देती ना। मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते, पहली बात ये समझानी चाहिए परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। भल आप नगर सेठ हो, एक बात आपसे पूछते हैं, देखना चाहिए कि जवाब देते हैं कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, फिर पूछोगे वो सर्वव्यापी कैसे है, फिर सारी बातें वो जवाब दे ही नहीं सकता, फिर वो सर्वव्यापी वाले से फंस जाएगा, फिर वो फंस गया। मतलब एक क्वेश्चन पूछ लो, उनके पास जवाब नहीं है, फिर आपकी बोलती उसकी बोलती बंद, आपकी बोलती चालू, क्योंकि बाप को सब भूले हुए हैं। तो पहले परिचय देना पड़े, परंतु बच्चे ऐसी ऐसी बातें भूल जाते हैं, श्री मत पर चलते नहीं। पहले श्री मत कहती है कि मुझे याद करो, एक घंटा आधा घंटा सिर्फ याद जरूर करो। कई बच्चे सारे दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते, कितने अच्छे बच्चे हैं। ये सब लक्षणों से पता लग जाता है। अगर याद करते हो तो चलन बड़ी रायल होनी चाहिए। बच्चों ने राजाओं को कब देखा नहीं, ये बाबा का रथ तो बहुत अनुभवी है, सबको जानते हैं। कोई जेवर आदि लेने होंगे तो महाराज आएगा, ब्रह्मा बाबा तो जानते हैं महाराजाओं के साथ संबंध रहा, सिर्फ हाथ लगाया और गए। फिर पोटरी मतलब जो उनका खजांची है आप पे ही बात करेंगे, तो उन्हों का कितना दबदबा रहता है। तुम गुप्त हो परंतु बड़ा रॉयल्टी से चलना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए, क्यों हमको टाकी से सूक्ष्म सूक्ष्म से मूल में जाना है। अभी हमें इस टाकी दुनिया से हर आत्मा को कहां जाना है, सूक्ष्म में, सूक्ष्म वतन से होके फिर कहां जाना है, मूल वतन में आएंगे, सीधे टाकी में आएंगे, सूक्ष्म में नहीं।
आएंगे तो सही सूक्ष्म में, परंतु पता नहीं चलेगा, क्योंकि सूक्ष्म है लोक है संकल्प की दुनिया। तो हमारा संकल्प उठा तो हम सूक्ष्म में तो गए, देखा जाए बाबा कहते सूक्ष्म में नहीं जाते, परंतु हमारा संकल्प उठा हम सूक्ष्म में, बस संकल्प उठते ही हम उसी सेकंड में कहाँ आ गए, बॉडी में। चाहे बॉडी तैयार थी या माँ का गर्भ तैयार था, कुछ भी तैयार था, आना तो एक ही सेकंड में है, तो टाइम तो लगना नहीं है उसमें, और जाना भी हमने एक ही सेकंड में है। तो उस एक सेकंड के अंदर जो हमें अपने कौन से कर्मों का जो है ना घुटन महसूस होगी, हमने एक दिन चर्चा पहले भी की थी। हाँ, केवल अपने साथ, बाकी मैंने जो दूसरों को दुख सुख दिया है वो हिसाब तो हम दूसरों के साथ बराबर करेंगे, पर तो उस एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर सिर्फ मैं और मेरा बाबा ही होगा। मीन्स बाबा की श्रीमत पर मेरी अपनी ही चेकिंग होगी कि मेरे को बाबा की इस समय पर ये सब डायरेक्शंस मिली थी, उसके बावजूद मैं नहीं कर पाया, इसलिए मेरा पद ये आया और दिल घुटा। और उस टाइम हल्की सी जो भी भारी सी जो भी है, हर एक का अपना रोल, वो उस सेकंड महसूस करेगा और बाबा के सामने वही बाबा का सामना है एक सेकंड, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर अपनी चेकिंग करना। हाँ, और कल भी बाबा ने, हम कल जो अव्यक्तवाणी की थी, कल हमने अव्यक्तवाणी, कल ये भाई थे, अव्यक्तवाणी की थी हमने, तो कल की अव्यक्तवाणी में यही बात बड़ी वंडरफुल समझाई कि आप अमृत वेले क्या करो, दोपहर को, दिन में क्या करो, रात को, एक सेकंड में, रात को सोने से पहले आप अपने सारे दिन को देखो। जब हम सारे दिन को देखेंगे तो पता लगेगा ना, कर सकते थे ना, नहीं किया ना, तो वो भी तो हो गया ना, वही होगा ना, ठीक है। और जैसे बाबा के कल की मुरली में क्या था कि जैसे संकल्पों के साथ आप सोएंगे, उन्हीं संकल्पों से आप, क्योंकि फिर उनको आप इलाज देंगे, रात को वो बाबा को देंगे ना कि बाबा ये मेरे में क्या रही, कमियां रही, तो सवेरे उठकर उसको फिर से भरो, उन कमियों को मैं आज रिपीट नहीं होने दूंगा, आज रिपीट नहीं होने दूंगा, तो सुधार आएगा, तो हमारी याद की यात्रा। कल की मुरली में बहुत अच्छी तरह समझाया। हाँ, अपने आप को चेक करके बाबा के साथ, हाँ बाबा के साथ बातें करते हुए सो ना, जब हम रात को बाबा को सारा कुछ बता के सोएंगे बाबा के पास, तो क्योंकि उसमें शब्द था सूक्ष्म वतन में जाओ फिर परम धाम में जाओगे। यदि आप सूक्ष्म वतन में नहीं गए, कल की मतलब में ये भी था, सूक्ष्म वतन में नहीं गए तो परम धाम में नहीं जा सकते, मतलब ये भी उसमें कंडीशन थी कि हम बात करते करते सूक्ष्म वतन का अनुभव करें, संकल्पों को चेक करें, हाँ, और फिर हम बाबा के पास परम धाम में, फिर सवेरे उठेंगे तो नई दुनिया शुरू होगी। हाँ, सूक्ष्म का मतलब जब हम बाप अपने आप को चेक कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत अपने पर अपने आप को हम चेक कर रहे हैं, तो हमारे सामने उस टाइम पक्षपात तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता है ना कि भी मैं समझा दूं इतना चलता है, यदि मैं समझा रहा हूं इतना चलता है तो मैंने बाबा को इग्नोर कर दिया। यदि मैं रात को बाबा की श्रीमत पर चेक कर रहा हूं और मैंने वहां यदि संकल्प दिया, हमारे बड़े भाई बहन तो ऐसे चलते हैं ना, वो भी ऐसे करते हैं ना, वो भी ऐसे करते हैं ना, तो ये मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूं, जस्टिफाई कर रहा हूं, तो बाबा थोड़ा याद है, बाबा याद नहीं है। और मैक्स, हाँ ये बातें और बढ़ेंगी, फिर तो इलाज ही नहीं होना उसका, वो ठीक ही नहीं होना है,
इसीलिए मतलब कल की मुरली में मैं उसको देखा कि कितना देखो बारीक बात बाबा हमें समझा रहे हैं। हम मैक्सिमम करते क्या है, जस्टिफाई कर देते हैं अपने आप को, तुरंत जस्टिफाई कर देते हैं, वो भी तो कर रहे हैं, वो तो बहुत पुराने हैं, हम तो अब आए हैं, और हमने ये अपने आप को जस्टिफाई किया और बेड़ा गर्क हो गया। सूक्ष्म वतन में जाना है, मतलब एकदम न्यारे और प्यारे बन करके ही अपने आप को चेक करना है। यदि हमने न्यारे और प्यारे बन के चेक नहीं किया तो परम धाम में बाबा के पास नहीं सोए, सवेरे उठेंगे वो बातें आएंगी नहीं, फिर सवेरे याद क्या करें, इम्प्रूव ही नहीं कर, सारा सारा का सारा मामला कर। कल 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 का व्यक्ति सुनना मतलब बहुत अच्छी है वो शुरुआत, अमृत वेले क्या करना है, अमृत वेले आप क्या हो, फिर स्टूडेंट, फिर गोडली स्टूडेंट हो, फिर सर्विस का, हर एक चीज का दिया, सारे दिन की चर्या को बहुत अच्छे तरीके से। हमको टाकी से सूक्ष्म, सूक्ष्म से मूल में जाना है। भक्ति मार्ग में बहुत रड़ियां मारते हैं, गीत गाते हैं, यहां तुमको आवाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंदर में ये ज्ञान है कि हम आत्मा है, अंदर में ज्ञान है कि हम आत्मा है, यहां बाकी हेलो यहां बाकी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंदर में ये ज्ञान है कि हम आत्मा है, यहां बाकी थोड़े रोज है, यहां बाकी क्या है, थोड़े रोज है। अब जाना है शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं, शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं, कितने टाइम से बोल रहे हैं बाबा, कहते हैं थोड़ा बोलता पढ़ा 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 कितना मगज हमारा खाते हैं, यानी फिर भी कहते हैं मैं कितना थोड़ा बोलता हूँ। सिर्फ इशारा देते हैं शिव बाबा, कितना थोड़ा बोलते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। टाक नो इविल, सी नो इविल, बहुत सेंटर्स पर अच्छे अच्छे बी के इतना जोर से बोलते हंसते हैं, अरे बाबा क्या क्या नहीं देखते, इतना जोर से बोलते हंसते हैं, बात मत पूछो। ब्रह्मा कुमारियां भाई बहने, चाहे वो समर्पित है चाहे समर्पित नहीं है, सारी मतलब क्या है कि बहुत जोर जोर से हंसते हैं, बहुत जोर जोर से बोलते हैं, बात मत पूछो, बात ही मत, उनको हंसना चाहिए जिनके अंदर कचरा है, हमारे अंदर कचरा नहीं कि हम क्यों हंसे। मतलब कहने का ये है कि बहुत मतलब वो होता है, क्योंकि सोनिया बहन का माउंट आबू से फोन आया रात को 9:30 बजे, तो सोनिया बहन छोटे वाली वहां गई हुई थी, अब वो हंस रही हो ऐसे किसी के साथ वहां आपस में, और मेरे साथ बात कर रही हो और उधर उनके साथ हंस रही हो, और परेशान हो गई सुषमा, कहते क्या है ये, मैंने कहा जो है ठीक है, उनका मजबूरी है, उनको मैंने काम करना है, मैं क्लर्क हूँ भाई, मैंने उनके एकोमोडेशन का इंतजाम तो करना ही करना है, ठीक है, कैसे करना है वो सब होना ही होना है। तो वह बहुत जोर से हंस रहे थे, मतलब मुझे इसलिए याद आया, और बहुत जोर से मतलब आपस में उनकी बात हो रही होगी जो भी हो रही हो, बट वो हंसी सारी आ रही थी, मेरे को एक लाइन बताई, हाँ कितने टाइम से ज्ञान में चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं, हाँ डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो क्या, मैं अपना सारा काम कर रहा हूँ, बट वो वहां हंसे ही जा रही। तो बाबा समझाते रहते हैं यहाँ तुम्हारा कितना लव चाहिए, यहाँ तुम्हारा कितना लव चाहिए, सतयुग में शेर गाय इकट्ठा जल पीते हैं, यहाँ बहुत प्यार होना चाहिए, हम ईश्वरीय संतान है, बड़ी रॉयल चलन चाहिए, हम परमपिता परमात्मा की संतान है, हम श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रहे हैं, श्रीमत पर नहीं चलते तो कितना डिसर्विस करते, इसलिए टाइम बहुत लग जाता है, वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, स्कूल में बच्चे नंबर वार होते हैं, कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं,
कोई थर्ड क्लास। गरीबों की लगन अच्छी होती है, 50 गरीब आएंगे तो एक साहूकार, क्यों? बाबा है गरीब निवास। मम्मा गरीब थी परंतु बाबा से आगे चली गई, उन्हें लिफ्ट मिल गई, बाबा ने इसमें प्रवेश किया, ये भी लिफ्ट। बच्चों को देही अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखने हैं। बाबा मम्मा से आगे कैसे चली गई थी? बाबा कहते मम्मा बाबा से आगे चली गई, बस शरीर छोड़ा ना, आगे कहाँ गई? चाहे वो कुछ सेकंड लेट अगला जन्म लिया हो, रही तो नंबर दो पर, नंबर एक पर तो वो भी ना जा सकी। बच्चों को देही अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखने हैं, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र आत्मा बनना है। इनके पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ, तुमको याद करना है शिव बाबा को। ये तो गांवड़े का छोरा था, कौन गांवड़े का छोरा था? ये है निधन के, बाकी ये हैं निधन के, दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। छोकरों कैसे कहा? छोकरा किसे कहा जाता है? अनाथ को, ऑर्फन को छोकरा कहा जाता है, अनाथ को जिसका माँ बाप ना हो। बाबा उसको कैसे बता रहे हैं? छोकरे, छोकरे अर्थात क्यों गिरे, छोकर माँ बाबा अर्थ बता रहे हैं, छो करे अर्थात क्यों गिरे, माया ने गिरा दिया ना, चरित्रहीन हो गए ना। क्योंकि जो व्यवहार कुशल नहीं होता उसको कहते हैं भाई तेरा कोई माँ बाप है, कोई धनी धोरी है, कोई बड़ा छोटा है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाबा कारण बतलाते हैं कि तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, तुम भारतवासी क्या थे? स्वर्ग के मालिक थे। फिर गिरे क्यों? बाबा कहते गिरे क्यों भाई, मुझ बाप को भूल गए। क्यों गिरे? क्योंकि मुझ बाप को भूल गए, अब मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे, अब मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे। मुख्य बात है बाप को याद करने की, या बाबा के ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है, सर्विस करनी है। मम्मा भी सर्विस करती, बाबा जास्ते नहीं जा सकते। बच्चे कमाई करते तो सर्विस करने वाले हो गए, बाबा को तो एक जगह रहना है, सबको यहाँ आकर रिफ्रेश होना है। यहाँ मधुपन पर में आते हैं तो सागर बहुत, बाबा बहुत पॉइंट्स देते, फर्क है ना, और यहाँ आते हैं तो बाबा सागर बहुत पॉइंट्स देते हैं, फर्क है ना। बल सेंटर्स पर अच्छे अच्छे हैं तो भी यहां आना पड़ता है, बाबा अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आपस में लून पानी हो जाते हैं तो वे औरों को क्या सिखलाएंगे, खुद लून पानी हो जाते हैं तो वे औरों को क्या सिखलाएंगे, आपस में बात ही नहीं करते। कितना नाम बदनाम करते, मतलब बहने आपस में बात ही नहीं करते। इसलिए बाबा मुरली चलाते हैं कि कहां बच्चों की आंख खुले, परंतु ब्राह्मणियां आपस में मिलती नहीं है, ब्राह्मणियां आपस में नहीं मिलती, बात नहीं करती है। ये बहुत बड़ी मंजिल है, ये ज्ञान, इस याद की यात्रा पर रहना
ये बहुत बड़ी मंजिल है। इसलिए हर पल, हाँ इसलिए हर पल याद की यात्रा पर अपने आप को सुधारते रहो, सुधारते रहो, सुधारते रहो, आगे चढ़ते। बाबा कहते मैं आता हूं तुमको विश्व का मालिक बनाने, कोई हथियार आदि नहीं, ना कोई खर्चे की बात है, सिर्फ बाबा को याद करो, मतलब बाबा की श्रीमत पर चलो। याद करना माना बाबा की श्रीमत पर चलो। आपस में बहुत बहुत मीठा बोलो, सबको ज्ञान की बातें सुनाओ और देवी गुण धारण करो। तुम्हारा धंधा यही है, गीता का रहस्य इन चित्रों से समझाना है, बोले गीता के क्या राज है वो सब आपने इन चित्रों से समझाना है। वे भक्ति के गीत गाते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। गीता के भगवान ने आकर पावन बनाया है। तुम जानते हो गीता का भगवान हमको फिर से नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। नर से नारायण, परंतु अपने में गुण तो देखो, कोई कोई को झूठ तो जैसे नंबर वन धर्म है, कोई कोई का तो झूठ बोलना तो नंबर वन धर्म है। तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए, किसको दुख देते हैं तो जानवर से भी बदतर है, भोगना तो पड़ेगा, भोगना तो हर आत्मा को पड़ेगा, परंतु बाबा कहते तो मेरे बच्चे क्या तुम तो जानवर से भी क्या हो, बदतर हो। मुख से कुछ और कहते हैं और आपस में लूण पानी होते रहते, भाषण करेंगे अच्छे अच्छे और आपस में क्या होते रहेंगे, तो बहुत डिसर्विस करते हैं। इसको ही माया का ग्रहण कहा जाता है। कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो ग्लानी करने लग पड़ते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। जब कोई दूसरे की ग्लानी कर रहा है तो उसके ऊपर क्या बैठ गई है, ग्रहचारी बैठ गई। किसकी ग्रहचारी थोड़ा समय चलती है, किसकी अंत तक भी उतरती नहीं। तो बच्चों को सर्विस में लगा रहना चाहिए, बाबा सर्विस बिगर हम रह नहीं सकते, हमको कहां भेजो। जो सर्विस ही नहीं जानते तो उनको बाबा थोड़े अलाउ करेंगे, देखेंगे इनको सर्विस का शौक है, कहते हैं बाबा हमको फलानी सर्विस का शौक है तो बाबा भेज देते। सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे, सेवा ही नहीं करेंगे तो क्या पद मिलेगा। तुम्हारी सर्विस ही है मनुष्य से देवता बनाना, पूछना ही ये है कि परम पिता परम आत्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन दिए, क्या बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, हमें तो नहीं दिया ना सच्ची बात। हाँ जी, हाँ कुरुक्षेत्र वालों को कहा है, मैं नहीं सबको दिया है, ऐसे मत फंसाओ हमें, इंटरनेशनल होता है। चलो ठीक है, फिर हम भी लगाएंगे। मेले में ये पोस्टर जरूर लगा दो, सबका विचार चलेगा कि ये ठीक पूछते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, वहां पंडे लोग ऐसे हैं जो माथा खराब कर। फिर उनको कहो ज्यादा, देखा गया है तीर्थों पर बहुत सर्विस नहीं हो सकती। बाबा कहते देखा गया है तीर्थों पर बहुत ज्यादा सर्विस नहीं हो सकती, बहुत समझ भी जाते हैं। फिर कहते हैं अगर हम ये ज्ञान समझाने लग पड़े तो हमारी कमाई चट हो जाएगी,
इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे कि ये बीके पर आशिक हुआ है, इसको गद्दी से उतारो, इसको गद्दी से उतारो, मेरे को गुरु बना के बिठाओ, ये तो पागल हो गया है, दीवाना हो गया है, नहीं तो उसकी तो गद्दी जाती है। फिर इसमें बड़ी समझ और दूरंदेशी चाहिए। बलिहारी शिव बाबा की है, उनकी श्री मत पर चलना है, ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, श्री मत पर चलना चाहिए। भूतों को अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, कोई तो ऐसे बुद्धू हैं, समझते हैं ब्रह्मा भी क्या है, जैसे हम जिज्ञासु हैं वो ब्रह्मा भी जिज्ञासु है, कोई पॉइंट में हम तीखे हैं तो कोई पॉइंट में करके ब्रह्मा तीखा हो जाएगा। अरे मम्मा बाबा तो जरूर सबसे तीखे होंगे, हम उन्हों का सामना क्यों करते हैं, बहुतों को अहंकार आ जाता है। बाबा कहते हैं रात के राही थक मत जाना, बंदरपना छोड़ दो, नहीं तो फिर सजाएं खाएंगे, दैवी गुण धारण करने हैं, किसको भी कभी उल्टी मत नहीं देनी चाहिए, जो उनका बुद्धि योग टूट पड़े, धूतियां उल्टी मत देती, एक की बात दूसरे को लगाने वाले धूतियां उल्टी मत देती हैं, ये भी शास्त्रों में है ना, राम है एक बाकी सब हैं सीता, राम है एक बाकी सब हैं सीता, सीता है किसको कहा जाता है, याद है किसको, सीता किसको कहा जाता है, सीता किसको, बाबा कहता है भक्त सब हैं भगत, भगत है सब सीता, भगत है सब सीता, भक्ति शब्द है भक्ति, मुरली का शब्द है भक्तियां, जो भक्ति करते हैं वो सब सीताएं हैं, यानी वो फिर बाबा आया है उन सब भक्तियों को, सीताओं को रावण की जेल से छुड़ा। बच्चों की चाल बड़ी देवी होनी चाहिए, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक सत्य बाप सत्य बनाने आए, सच्चा बाबा हमें सच्चा बनाने आया है, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, मुख से ज्ञान की बातें बोलनी, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को भी उल्टी मत देकर धूती बना नहीं। वरदान कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भाव। कंपेनियन और कंबाइंड में कोई अंतर होता है क्या? दोनों में अंतर हम क्या समझे, कंपेनियन में और कंबाइंड में क्या अंतर समझे? कंपेनियन होता है साथी, कोई मिला दो घंटे के लिए, जैसे आप आए मुरली के साथी बने, उसके बाद अलग, ऐसे ही एक घंटा या योग में बैठे कंपेनियन बनाया, उसके बाद अलग। कंबाइंड माना जैसे बाबा कहते आत्मा और शरीर दोनों जुड़े हुए है ना, ऐसे बाबा को कंबाइंड बनाओ, कंबाइंड माना जो अलग ना जुड़े, और कंपेनियन तो अलग हो सकते हैं, कोई कंपेनियन है मुरली सुनने का, कोई कंपेनियन है गपशप मारने का, कोई कंपेनियन है कुछ और काम करने का, बहुत सारे कंपेनियन होते हैं ना, सारा दिन में बहुत मिलते हैं, कोई कितनी देर कोई कितनी देर,
तो कंपेनियन को कंबाइन रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भाव। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइन रूप में अनुभव कर, कभी कभी तो याद कर लेते हैं, सवेरे अमृत पहले भी याद कर लिया, शाम को जुमनुमा शाम भी योग कर लिया, सोने के टाइम पे भी 2 मिनट 5 मिनट जैसा भी है बाबा को याद कर लिया। बाबा कहते 24 घंटे मेरी उंगली को पकड़े रखो, मेरी उंगली 1 सेकंड के लिए भी छोड़ा तो कंपेनियन बन जाऊंगा, कंबाइंड नहीं रहे। अनुभव करो, अलग हो ही नहीं सकते, कंबाइंड माना हम अलग हो ही नहीं सकते, बांध लिया जाए श्रीमत के साथ, अपने आप को ऐसे बांध दें, आप कोई हाथ साथ होता, कोई उंगली शुंगली होती तो बांध देते, टेप लगा देते, कोई क्या करे, सोचना है बैठ के कैसे हम बस बाबा की श्रीमत के साथ बंध जाए। मतलब हम कोई ऐसे ऐसा कुछ ढूंढें कि जिससे बस बाबा से हम अलग ना हो, हर बात हमारी क्या हो, बाबा की श्रीमत के अनुसार। किसको ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके, किसी में ताकत ना हो, मतलब इतना हमने अपने आप को बैठकर समझा देना है दृढ़ता के साथ कि हमने चाहे कितना घाटा होता है, कितना नुकसान होता है, हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, परंतु बाबा की श्रीमत पर चलने में हर प्रकार का नुकसान भी फायदे वाला है, हर प्रकार का, क्योंकि हमें तुरंत क्या दिखाई देता है, ऐसा करने में फायदा है, ऐसा करने में नुकसान है, बाबा का कहना माना तो नुकसान है और झूठ बोल दिया तो फायदा है, तो कोई बात नहीं झूठ बोल दो, है ना, वो बहुत बहुत फर्क है। क्योंकि मुझे याद आता है हमारे कोहली भाई हुआ करते थे, उस टाइम मैं रेल की टिकटें बुक कराने का काम तो करते रहता था, तो उनकी उम्र मतलब जना थोड़ी सी कम थी रिटायर होने में, मतलब वही साल था उन्होंने, 6-7 महीने कम होगी, मैंने कहा 60 साल लिख देता हूँ, क्योंकि जेंट्स को तो 60 साल पर हाफ टिकट हो जाएगी, आधी टिकट लग जाएगी। कहता है अच्छा 300 रुपये बचेंगे, क्या ब्रह्मा बाबा को 300 रुपये चाहिए, उसके शब्द थे किसके लिए, किसके लिए मैं 200-300 रुपये बचाऊं, झूठ बोलूं, हाँ जो भी, कहते नहीं मेरी पूरी वही टिकट का। हम मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे को जो चीज अनुभव मतलब कितना देखे कि निश्चय है बाबा, किस लिए, किसके लिए 200-300 रुपये बचाए, हाँ बाबा को जरूरत है, उसने सिर्फ भगवान को चाहिए, क्या बाबा को चाहिए पैसे, उसको नहीं चाहिए पैसे, झूठ नहीं बोल, मतलब ये उनकी मतलब मैंने विशेषता देखी, क्योंकि जो चीज है मतलब ना, हाँ मैं बहुतों को कह देता हूँ मान लेते हैं, मतलब उनको भी मैंने वही कहा, क्योंकि मेरी तो आदत बनी हुई थी कि ठीक है भाई कौन सा, उन्होंने उस टाइम तो आधार कार्ड वगैरह चेक नहीं होते थे, आजकल तो आधार कार्ड लेके जाना पड़ता है, मतलब बात को देखो, मतलब मेन बात आती है कि धारणा कितनी है, मतलब ये जो है ना बहुत महत्व रखती है। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएगी, जितना कंबाइन रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव, मतलब ब्राह्मण जीवन जितना बनाते जाओ उतना पकड़ भी मजबूत होती जाएगी, बाबा की उंगली छूटने वाली नहीं होगी, और आपको मनोरंजन आएगा, खुशी आएगी, क्योंकि हमने टिकट तो बचा ली और किसी कारण से उसने कुछ मांग लिया डेट का प्रूफ, सारा रास्ता मेरा दिमाग तो खराब रहेगा ना, कहीं वो आधार को कोई चीज मांग ना ले, पकड़ा गया तो क्या होगा, तो मतलब मनोरंजन है,
आपने टिकट पूरी ली है, टीटी आवे, टीटी का बाप आवे, कुछ आवे, आपको कोई टेंशन नहीं, निश्चित मनोरंजन, वहां मनोरंजन नहीं हो सकता। श्लोक, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकता, कभी भी सीट से अपसेट नहीं हो सकते। दृढ़ता की मतलब बेल्ट बांधते इसलिए कि भी ढीले ना हो, ठीक है, और हमने दृढ़ता के साथ दृढ़ संकल्प किया कि भी ये मुझे करना है, मतलब है ही तो इतनी सी बात, जहां हमने अपने आप को संकल्प में दृढ़ता दे दी तो वो फिर तो करना ही करना है ना, तो फिर हम सीट से कभी अपसेट नहीं होते। डिटेल में बाबा मुरली में बता के आया या कहां भी, मतलब कहने का जैसे हमने सीट बांध ली, बेल्ट बांध ली, अब हवाई जहाज इधर उड़े, ऐसे उड़े, वैसे उड़े, आप अपने सीट से गिरेंगे नहीं, इसलिए बांधी जाती है कि कुछ हलचल हो जाए तो कम से कम आप बंधे तो रहेंगे ना, तो उड़ते समय और उतरते समय सीट बांधने का मतलब यही होता है। तो इसी प्रकार से गाड़ी में भी कार में भी सीट बेल्ट बांध के बैठना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन में। ओम शांति।